रांची के दुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल रविवार को आयोजित इंडिया अलायंस द्वारा उलगुलान रैली का जायजा लेने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और साथ में इंडिया अलायंस के मंत्री जामुमो कांग्रेस के नेता पहुंचे। वहीं रैली की तैयारी का जायजा लेने सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार शाम प्रभात तारा मैदान पहुंचकर उन्होंने पूरे मैदान का निरीक्षण किया। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और कल इस रैली के माध्यम से राज्य की जनता को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारा राज्य आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, हम अपने आदिवासियों के हक और अधिकार हर हाल में दिलाएंगे। अच्छा है, आज हम जायजा लिया कल का जो हमारा इंडिया उलगुलान महारैली का, जो हेमंत बाबू जो गिरफ्तार होने के बाद हमारा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी झारखंड प्रदेश या विभिन्न प्रदेश में जो न्याय यात्रा 1.5 महीना तक हम लोग चलाए, और उसका समापन भी है कि देश के अंतर्गत में तानाशाही को रुकना है, लोकतंत्र के लोग बचाना है, संविधान को बचाना है। और आप सब भी जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में क्या स्थिति हुआ, दिल्ली में क्या स्थिति हुआ, जिसके नाम पर जनादेश हम लोग लिया थे हेमंत बाबू के नाम पर, और उसको आज सरकार को अस्तित्व किया गया। अंत में हम लोग नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। उसी तरह दिल्ली में भी वही स्थिति है। और कल हमारा इंडिया गठबंधन सभी राष्ट्रीय स्तर से नेता से लेके सभी आ रहे हैं, और झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र कल इसी जगह से हम लोग इस प्रदेश और देश के जनता को हम लोग बताने का काम करेंगे कि वर्तमान केंद्र सरकार का उनका तानाशाही क्या क्या है, और जनता का भविष्य हम लोग संदेश देंगे पूरा प्रदेश और देश के अंदर में। बाकी बात कल आप लोग के बीच में हम लोग का है। बीजेपी कह रही है कि दूसरे राज्यों से भीड़ को लाया जा रहा है, काफी संख्या में दूसरे राज्यों से भीड़ लाया जा रहा है कार्यक्रम में। देखिए वो बॉर्डर है, वो तो स्टेट का बॉर्डर में कहीं वो पहरादारी कर रहा है ना कितना आदमी आ रहा है, इसीलिए उसमें हम कोई जवाब नहीं देना। दादा दिल्ली और महाराष्ट्र के भव्य होगा ये, मुख्यमंत्री से दूर रखा गया, जेएमएम के कई विधायक नाराज चल रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से दूर रखा गया, ऐसा कोई बात नहीं है। संगठन है हमारा, जेएमएम का संगठन है, कांग्रेस का संगठन है, आरजेडी का संगठन है, माले का संगठन, एक संगठन है। सर झारखंड में चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इस रैली के बाद? झारखंड के साथ साथ पूरा देश में संदेश जाएगा और बहुत अच्छा जो तानाशाही सरकार का बहुत अच्छा उनको असर पड़ेगा। यानी दिल्ली और महाराष्ट्र से सबसे भव्य होगा ये, काफी संख्या में लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित। चलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह भव्य, ये जो है ऐतिहासिक होगा। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो यहाँ पे अपनी बात रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये का बोल खोलेंगे, और यहाँ से न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में एक संदेश जाएगा।
कैमरा पर्सन सुशील तिर्की के साथ मनोज रांची। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।